वो मुझे लोग कहते हैं ये कतना की धूल, मुझे लोग कहते हैं। अरे उस भाई का लाल रह जाए यहाँ से। काल हो बेकाल हो मैं कालो का काल हो, काल हो बेकाल हो मैं कालो का काल हो, चुपके से जो बढ़ के डस ले जहरीला। जब तक ये जिंदगी जीता रहूंगा सांस से, अरे जब तक ये जिंदगी जीता रहूंगा सांस से, और तुम जैसे साले करेंगे जीत मार दूंगा। चुप चुप, बहुत तेरी चुदर बुदर सुन चुका रे लौंडे, अब निकलो यहाँ से। तुझे मालूम होना चाहिए मलेरिया का बुखार और समर सिंह की मार हमेशा ठीक हो जाने पर भी याद रहती है लौंडे। क्या करेगा, गोली चलाएगा? जरूर चलाऊंगा। चलाओ साले, फिर गोली में मरने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम साले तैयार हो तो लो, मैं चलाता हूँ गोली, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलाओ, ले ले। बहुत बड़े साले यार सेवा, समर सिंह बहुत बड़े साले यार सेवा, इस बाजी करेगा, इस लड़की को छेड़ेगा, प्यार करेगा, बोल तुम ही आओ भाव सड़ी के, तोरी बुआ का चौथा हो, जिंदगी भरी हमार नमक खाओ और हमारे संग रहे हो। तोरी बुआ का बोरी आज गड़बड़ हो गए, वह लौंडवा मारते तो तोरी बहनी की बोरी जूता ले जूते पर आओ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? प्यार करेगा इससे, इसके साथ जायती करेगा? बोल और सताया तूने इसे, और सताया तूने इसे, अरे अब तुझे सताऊंगा। चली आलोच के खा जा, अगर तू बाहर चली और नोच के खा जाऊंगा, और सताया तूने इसे, और सताया तूने इसे, या तुझे सता। तो खाता है माफ करो और भैया तेरी दुहाई है, जैसा किया था मैंने वैसी सजा तो पाई है। समर सिंह अभी तूने क्या कहा था कि अपना परिचय बताओ? मेरा परिचय जानना चाहता है? आधा साले तुझे अपना परिचय हम बता दिया तो साले तेरा शरीर कांपने लगेगा।
पर से जानना तो जरूर चाहिए थे, जरूर जानना भाई। और इनते बधाई दो, वीडियो बना रहे हिसाब दे, बट नहीं हाओ होई परे हो हमारे भाई ने, मैं तुम्हार मुंह या कायदा उराई समर समर। सुन मेरा परिचय, शायद तुम्हें नहीं मालूम और तुम्हें मालूम भी होगा, चांदपुर गांव में कोई ठाकुर भूपेंद्र सिंह रहते हैं। दोस्त है और उन्हीं का बेटा वीर सिंह मुझे लोग कहते हैं। क्या तुम हमारे दोस्त भूपेंद्र सिंह के लड़के वीर सिंह हो? साले हमारे बाप के टुकड़ों पे पले समर सिंह, तेरे इतनी औकात कैसे, तू हमारे सामने इतना बोल बैठा? बोल बाबा, भकर भकर कर दिया खतो, ये भतीज हुआ है, इते बताए दे अपनाए मारा है नहीं बुआ महतारी को। हेलो, अब ये आ गए हमारे भैया धर्मपाल। धर्मपाल मेला कमेटी की तरफ से मैनेजर साहब आपके लिए 10 रुपए इनाम दिए है, का दे कि सारे गांड फाड़ दो। कत शबर यहां बैठ, कहां है कहां बैठ? अरे बजाओ पहले ये लौंडावत निपट ले। शमर शमर मेरी एक नसीहत सुन, अगर तू मेरे पिताजी का दोस्त ना होता तो माँ के समाज तेरे इतने टुकड़े कर देता, गली के कुत्ते खाने से इनकार कर देते। भलाई साले तेरी इसी में है, इस लड़की के पैर छुओ और चुपचाप यहां से साले चले जाओ, कहो बहन मुझे माफ कर दो। ठीक है भैया, कह दे। जान ना पहचान, जी 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 जा बता रहे हैं, हमारे पांच हुए हो। कोई बात नहीं, ये रिश्ते में भतीज लागत है, कहा जी जी कह दो, पाए छुए लो निकल लो, पाए बात नहीं छुए, पाए ना छुए बाबा तुम बिल्लाओ ना, पाए ना छुए बा। और जो कहूँ बच गए ना तो लौंडाई कुछ नहीं करब, क्योंकि वो हमारे भतीज लागत है, हमारे दोस्त क्या लड़का है, यही जाऊ कहूं बिटौनो मिल गई तो चार छा बुढ़वा तुम्हारे कितना तैयार। देख बिटिया पाए छुई का, बिटिया तनो फैलाओ, पाए फैलाओ, जान नहीं मिलती है, कोई की तू है। और हमका माफी दे दो भौजी, कहां साले हमको माफी दे दो जी जी, और तुम साले बता रहे भौजी है, कहां साले खींच लूंगा, सोच बताए भौजी निकलेगा। और हमका माफी दे दो जी जी, और हमका माफी दे दो जी जी, तारी नहीं बजे हो ना आता ही तुम हनुमान बनाए देव तुम्हारी जाने रहे हो। और हमका माफी दे दो जी जी, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो जी जी, हमसे भूल हो गई हमका। सच कहती हूँ कि चकमा देखकर चला गया, चकमा देखकर नहीं, बहुत बड़ी बदतमीजी कर कर गया है, मेरी आंखों के सामने तुम्हारे गाल पे काट कर गया है, यही ना? चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आजकल का जमाना बहुत खराब होता है,
घर से अकेले निकलना नहीं चाहिए। और फिर ऐसे फैशन में घर से अकेले निकलती हो, अरे मैं अपने बापू के लिए जवान तो जवान बुढ़ो का भी मन डोल जाएगा। समझ गई, आप एक पढ़े लिखे होशियार हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र तुम सही सलामत आज यहाँ पर खड़ी हो। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो आज इस समाज के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। पता नहीं क्या, खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत बच गई। सही सलामत अपने घर चले जाना और मैं भी जा रहा हूँ, गुड बाय। क्या बात, बहुत आसानी से चल दिए। अरे इतना बड़ा एहसान किए हो, क्या एहसान और कर दो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अरे लाज बचाई आपने, अरे आ करके श्रीमान, अरे जीवन भर भूलू नहीं आपका तो इसमें काहे का भला, और ए लड़की एहसान ना जाने क्यों से सका, ना तेरा अपमान। तुम्हारे कहने का मतलब मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ। देखिए मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया है, कोई एहसान नहीं किया है। ए, अब हमसे एक बात कहना, हम एक आपसे बात कहना चाहती हूँ। अरे हमारे साथ में एहसान की आभारी है हमारे, हमारे साथ में एहसान की आभारी है, हमारे साथ में एहसान की आभारी है। तुम्हारे कहने का मतलब मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया, बड़ा है। एहसान किया। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज और हमारा कर्तव्य था, ये तुम्हारी भूल है देवी जी। हाँ। और तुम्हारे साथ में, और तुम्हारे साथ में एहसान ना कुछ हमारा है, तुम्हारी भूल है, तुम्हारा कहना गलत है। तुम्हारे कहने का मतलब मैं तुमसे प्यार कर लूं। हाँ। यही ना। हाँ। लेकिन शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आजकल की लड़कियां बेवफा होती हैं, प्यार तो कर लेती हैं लेकिन चंद लम्हों में भूल जाती हैं। आज तुम हमसे प्यार कर लोगी और कल किसी और के साथ में डोली में बैठकर उसके घर चली जाओगी। नहीं, मैं सब लड़कियों में लड़कियां नहीं हूँ, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ तो जिंदगी भर निभाती हूँ। क्या जिंदगी भर निभाओगी? हाँ। तुम्हारा वादा है, लेकिन मैं कैसे तुम्हारा विश्वास करूं
कैसे तुम्हारा इतबार करूं कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। बोलिए, मैं आपसे जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत करती हूं। क्या जिंदगी से ज्यादा? जान से ज्यादा। हाँ, अगर ये बात है, अगर तुम जिंदगी से ज्यादा प्यार हमसे करती हो, तो मैं भी तुमसे जिंदगी से ज्यादा प्यार करूंगा और करता रहूंगा। लेकिन एक बात का जरूर याद रखना, प्यार करने के बाद कभी धोखा हमें मत देना, नहीं वरना ये पीर तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा। प्यार तो प्यार, आप मेरी जिंदगी मांगे वो भी आपके कदमों में डाल दूंगा। काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जिंदगी आदि क्या चीज मेरे लिए, उम्र पूरी जो मांगो उजर ही नहीं, बन के समा चलो और तुम खुले आम में, और चल जान तो मस्त परवाने को बन के समा। काजल, प्यार करने के बाद धोखा मुझे मत देना, नहीं तो पीर तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा। काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। काजल, मेरी बात को बुरा तो नहीं मानोगी? भैया थोड़ी आवाज बढ़ाओ इनकी यार, बहुत टिम है दोस्त। काजल, और मोहब्बत की तड़प आए दिल उधर भी है इधर यही मुश्किल है, उधर भी है इधर भी है, और चाहे लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाइए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न हो के जुदा जुदा कसम काले, ये चाहत रहे कि सदा सदा कसम। का आसमां तुम ही तुम हो दुनिया में,
प्यार का आसमान। सनम अब दिल पर अपने सितम हो चाहे कितने, सनम अब दिल पर अपने सितम हो चाहे कितने, न छोड़ेंगे राह के कहने का मतलब भी मजा नहीं आया है। कह दो कि रात भर मजा आएगा, परेशान मत हो, समय भी ज्यादा हो रहा है, है काजल? लेकिन काजल आज के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात कहां पर होगी? ये जो कठिना नदी दिखा रही है वो जो बहुत बड़ा सा जंगल है, कौन हो भाई साहब, कहां से आए हो? क्या सीतापुर से आए हो? एक रुपए में चार कंपनी का प्रचार, आम जनता का फायदा, घर ले जाओ घर वाली खुश, ससुराल ले जाओ सारी सराज खुश, बहुत बड़ा फायदा है। कहिए काजल क्या बात है? एक ना एक दिन मैं आपकी घरवाली बन ही जाऊंगी। क्यों नहीं, एक रुपए में चार है ना, आप ले लो, मैं चारों खा जाऊंगी। अरे देखिए वक्त आने पर, समय आने पर हम तुम्हें दे देंगे लेके, लेकिन शायद तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि कोई चीज खरीदने से पहले उसकी जानकारी जरूरी लेना होता है। पहले हम इससे पूछेंगे कि किस चीज का प्रचार कर रहा है, उसके बाद हम आपको खरीदेंगे। ए प्रचारक इधर आओ, आप प्रचारक हैं? हाँ। आपका प्रचार टीवी पे आता है, डिजिटल पे आता है, बड़े बड़े अखबारों में आता है, बड़े बड़े आप सीतापुर से आए हैं। हाँ। देखिए आपका प्रचार लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस चीज का प्रचार करते हो। मैं भैया निरोध बेच रहा हूँ। काजल अभी हमारा तुम्हारा प्यार सुन रही, वो साला यहाँ पर टंडोम का प्रचार करने के लिए आ गया। हाँ, लाइन आ गया, चारों कितना साला बदतमीज है। आज के बाद हमारी तुम्हारी तीसरे दिन मुलाकात कहाँ पर होगी? ऐसे मोहब्बत रखे हो जैसे चल रही है। वो झील के बाद दरिया के किनारे जहाँ पर कोई आता और जाता नहीं होगा, जो कठिना नदी है उसके उत्तर साइड में जो जंगल पड़ा हुआ है उसी जंगल में मिलने के लिए आओगी, वो भी अकेली आज के तीसरे दिन। काजल और चलिए यो प्यारी काजल, और चलिए यो प्यारी काजल उस दरिया के तीर, लिखेंगे प्रेम कहानी दरिया के तीर, लिखेंगे प्रेम कहानी दरिया के तीर। चलिए यो प्यारी काजल, चलिए यो प्यारी काजल उस दरिया के तीर, लिखेंगे प्रेम कहानी